सर अभी तक तो मैंने इनको जो भी अभी अभी जो मदद किया है ये ठीक है, इसके आगे और भी मैं मदद करूंगा और जितना मेरे से होगा मैं लोगों से अपने से जो भी होगा मैं मदद इनको देते रहूंगा। और ये हमारे एरिया में है तो इनको हम तकलीफ नहीं होने देंगे और हमारे पास हिंदू मुस्लिम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये परिवार जो है हिंदू परिवार आपके मोहल्ले में रहता है यासीन नगर हरसूल इलाके में, आपने इंसानियत के लिए जो काम कर रहे हैं आप जी, तो समाज के लिए क्या संदेश देंगे आप? संदेश हमारा ये रहेगा कि हम हिंदू मुस्लिम करके ऐसा कोई भेदभाव नहीं है हमारे पास, हम ये भी हमारे परिवार समझते हैं, ये भी दूर से हमारे पास आए नज़दीक आए तो हमको इनको लेके चलना है, इनको हमारे तरफ से कोई तकलीफ नहीं होए ऐसा हमको इनको लेके चलना है। अभी क्या मदद की है आपने इनकी? हमने कुछ अभी राशन के लिए भी मदद की है और कुछ खाना आज दिए, फिर इंशाल्लाह और भी हम कल परसों जो भी रहेगा हम इनको राशन पानी पहुंचाते रहेंगे। तो ये कब तक पहुंचाएंगे आप? अपने से जब तक होएगा हम कोशिश करते रहेंगे और इनको पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अभी लंबा अरसा गुजरना है, 3 मई तक के लॉकडाउन है। जब तक हम कोशिश करेंगे और जब तक इंशाल्लाह हम इनको पहुंचाते रहेंगे और कोई बात की इनको तकलीफ होगी नहीं, बस जितना हमारे से हो सकेगा, हमारे पास जात और धर्म का कुछ भी नहीं है, सब हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है और वो हिसाब से हम लेके चलेंगे। अभी तो कोरोना से भी हमको लड़ना है साहब अभी तो, हालांकि आप मोदी अपने जो पीएम है देश के, उन्होंने ठीक है उन्होंने तो बोल दिया कि 3 महीना बंद रखो 2 महीना बंद रखो, तो उन्होंने उनका बात मान के सभी ने उनके बात माने, सबने सुने, पब्लिक भी सुनी, पब्लिक अंदर भी रही, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि गरीबों के वास्ते खाने का इंतजाम करेंगे, ये आज तक उन्होंने बोले नहीं। बाकी जितने भी पब्लिक है पब्लिक आराम से अपने अपने अंदर है, कोई बाहर तकलीफ ये है कि उनके खाने पीने का इंतजाम उन्होंने बोलना चाहिए था और करना चाहिए था। नहीं, मोदी जी तो अभी 500 रुपये जनधन के खाते में डाल रहे हैं, राशन का अनाज दे रहे हैं। नहीं तो साहब अभी तक तो कोई भी नहीं आया ना, जनधन ठीक है, जनधन योजना में जिसका खाता है वो लेडीज़ के थ्रू दे रहे, उन्होंने लेडीज़ को मिलता है, बाकी 500 रुपये देने से महीना उनका चलता नहीं, 500 रुपये में घर चलता नहीं, किसी के पास फैमिली है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 परिवार है, तो उनका 500 रुपये में तो कोई भी चलता नहीं ऐसा। नहीं, राशन का अनाज भी दिए ना? नहीं साहब, अपने इधर तो अभी तक कोई आए नहीं, कोई भी आमदार नहीं आया ना कोई खासदार आया, हमने सबको साथ दिया लेकिन हमारा गरीब मोहल्ले में अभी तक ना कोई खासदार आया ना कोई आमदार आया अभी तक यहाँ पे। आपके इलाके कारपोरेटर ने मदद नहीं की? हमारे इलाके का कोई कारपोरेटर आया नहीं और कोई भी मदद नहीं किया। तो अभी कैसा गुजर बसर हो रहा है? ये तो बड़ी बस्ती है, जरूरतमंद ज्यादा है यार। तो सर बस अपने अपने घरों से बेचारे जो अभी तक तो वो खाए, अभी इसके आगे तो उनको वो भी खाने की पीने की भी तकलीफ होने वाली है और उनको अभी तक कोई मदद नहीं आई है और हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं, सबके पास जा रहे तो अभी तक हमको कोई रिस्पॉन्स ऐसा मिला नहीं है। नहीं, आपने कहा कि कुछ लोगों को आपने लिस्ट दिए थे, क्या हुआ फिर उसका? हमने उनको लिस्ट भी दिए, ऐसे नासिर सिद्दीकी साहब को भी हमने लिस्ट दिए, वो भी बोलते हैं कि ठीक है हम करेंगे हमारे लेवल से, ऐसे 2-4 लोगों को हमने ऐसे सिटी में अच्छे अच्छे लोगों को लिस्ट दिया है तो अभी तक तो कोई उसका रिस्पॉन्स आया नहीं है। कौन सा एरिया है ये? अपना ये एरिया जो है तो फिजा पार्क है, औरंगाबाद मध्य में आता है, सेंटर में आता है, सेंटर में, सेंटर में। यहाँ के आमदार आए? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई आमदार। कौन आमदार है? पूछा आमदार कौन है? और ना कोई नहीं आमदार साहब हमारे हैं प्रदीप जायसवाल, और खासदार हैं तो इम्तियाज जलील साहब हैं, तो वो भी जब से चुनाव लड़े जब से जीते जब से कोई आए नहीं और कोई हालचाल किसी का पूछे नहीं। उनका कोई आदमी? उनका कोई भी आदमी हमारे पास आज तक नहीं आया, ना खासदार साहब का आया ना आमदार साहब का आया, किसी का भी नहीं आया। क्या उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना चाहेंगे साहब हम जैसे उनको पब्लिक उनके वोटिंग के लिए जैसा वो आते हैं और हम उनको मदद करते तो वैसे उनका काम है और उनका ये धर्म बनता है कि भाई सभी परिवारों को आके देखना और उनके तरफ से उन्होंने करना, ये उनका काम है। क्या नाम है आपका? इस्लाम खान है सर। मैं हरसूल है, बिस्मिल्लाह नगर है। क्या ये लॉकडाउन जो हो गया अभी तो आपकी क्या परेशानी है?
हमारे परेशानी है साहब की, हम हारमोनियम दुरुस्त करते हैं यहाँ कम से कम 5-7 साल से हैं, मगर अब लॉकडाउन की वजह से हमारा धंधा पानी सब बंद है। अब हम गांव भी नहीं जा सक रहे, ना हम किसी से मदद के लिए भी नहीं। आप लोग आए तो बता रहे, हमारे 4-5 परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, कम से कम 35-40 लोग हैं। क्या बनाते हैं आप? हारमोनियम दुरुस्त करते हैं, पेटी तबला, पेटी तबला स्कूल कॉलेजों में बनाते थे, अभी सब धंधा जाम है। तो दान पेटी भी बनाते हैं क्या मंदिर की? हाँ, मंदिर के हारमोनियम, दान पेटी नहीं, वो संगीत पेटी बनाते हैं, जो हारमोनियम, हाँ हारमोनियम भजन कीर्तन का पेटी, कव्वाली का। कितने घर है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ 3 तो यहाँ रहते, 3 फैमिली परिवार से, और 2 उधर रहते। अभी अभी तो ये लॉकडाउन जो है ये 3 मई तक के है, अभी और 3-2.5 महीने गुजरना है अभी, तो अभी क्या इंतजाम है आपके पास खाने पीने? कुछ भी नहीं है साहब, जो आप दिए वही है। अभी मैं लगाया था, अभी पुलिस थाने में भी जो अपना वो है, अपना जो 100 नंबर, उसको भी फोन लगाया था अभी मैं कि साहब ऐसे ऐसे अड़चन है हमारा, खाने पीने के कोई बंदोबस्त नहीं है। एक दिन खाली खाना देकर गए थे, फिर दोबारा किसने कुछ नहीं दिया। नहीं, अभी आपके महल्ले के जो असलम भाई है, हाँ हाँ, असलम भाई ने आपके खाने का इंतजाम, हाँ, किया कल दिए साहब? नहीं, असलम भाई ने इससे पहले भी आपका हेल्प किया? हाँ हाँ, वो जो भाई थे तो कल भी हमको दिए लाकर, तो अभी बाल बच्चे हमारे खा रहे। नहीं, अभी इन्होंने इसके आगे भी एक वक्त के खाने का इंतजाम किया आपका, असलम भाई ने। हाँ, तो क्या बोलेंगे आप समाज को, क्या संदेश देंगे? बस यही संदेश देंगे कि उनका शुक्र गुजार है, अच्छा हमको मदद किए, हमारा बाल बच्चे अभी दिए तो उनकी मदद से अभी सब चल रहा है। असलम भाई ने हेल्प किया? हाँ, हेल्प किया। जो पर्यंत लॉकडाऊन उघडणार नाही तो पर्यंत आम्ही सुरळीत त्यांना ह्या गोष्टी पुरवणार। आणि आपण मदतीसाठी आपल्याकडे येत आहे, लोक कार्यकर्ते येत आहे, कष्टकरी येत आहे, हा त्यांची यादी आपण दिली की भाजपाकडे दिलेली? मग काय सांगताय नेते? ते सांगतायत 1-2 दिवसात येईल, पॅकिंग चालू 1-2 दिवसात येईल, येणार लवकर। नाही, आपल्या पक्षाचा औरंगाबाद शहरामध्ये एक आमदार आहे, एक खासदार आहे राज्यसभेचे, बरोबर, त्यांनी काय सांगितलं? शहर अध्यक्ष आहे, लवकरात लवकर तुम्हाला किट भेटेल म्हणून सांगितलं त्यांनी। आपलं नाव? राजे उत्तमराव तुपे। ओके करो। हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें।